हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस विद मेंस्ट्रुअल कप, कि क्या ये फेल था या फिर ये एक पास था या फिर क्या। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था विद अ मेंस्ट्रुअल कप, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बिकॉज ये वीडियो है एकदम रियल। इट्स नॉट जस्ट टॉक थ्रू कि मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज करना स्टार्ट कर दिया, मैंने पैड लेना बंद कर दिया, उस टाइप का ये बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द रियल थिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं माई एक्सपीरियंस विद दिस थिंग, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच वीडियोस। उसके बगल में छोटी सी नोटिफिकेशन बेल भी है, उसको भी हिट कर दीजिएगा, सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो एंड यू नेवर मिस अ वीडियो लाइक दिस अगेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अभी मैं यहां पे इंसर्ट कर दूंगी एक क्लिप जहां पर मैं इसको ट्राई करने की कोशिश कर रही हूं। एंड इसके पहले भी मैंने कई बार इसको ट्राई करने की कोशिश करी है, बट आई वॉज नॉट क्वाइट हैप्पी बिकॉज उस टाइम पे ऑब्वियसली मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे थे। सो द थिंग इज, यू यूज इट ओनली वेन यू हैव योर पीरियड्स। उसके पहले या बाद में आप ट्राई कर सकते हो वेदर यू आर कंफर्टेबल विद इट। मैं सजेस्ट करूंगी कि एक दो बार आप ट्राई करके देख लो, बट जब आप इसको पीरियड्स के टाइम पे इंसर्ट करोगे तब आपको इसको इंसर्ट करना काफी आसान रहेगा, बिकॉज एक लुब्रिकेशन हो जाता है विद ऑल दैट मेस। यू गाइज गेट माई पॉइंट। सो इट गेट्स इनसाइड वेरी इजिली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप उसको एक दो बार व्हेन यू आर नॉट इन पीरियड्स, उसके पहले भी आप इसको एक बार ट्राई करके देख लें, सो दैट यू फील कंफर्टेबल विद इट, यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि अंदर कैसे जाता है एंड हाउ यू हैव टू रिमूव इट। क्योंकि उस टाइम पे इट्स मेसी एंड आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हो कि आप इसको उतना ट्राई दे पाओ। सो सेकेंड थिंग इज हाउ टू गेट दिस इनसाइड। सो आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से, एंड देन यू हैव टू जस्ट पुश इट इन। सो मेक श्योर कि आपकी जो मसल्स है, पेल्विक मसल्स कहते हैं आई गेस, तो वो जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं एकदम। अगर टेंस्ड कर लोगे तो ये अंदर नहीं जाने वाला। सो मेक जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ एंड फील कि ये बहुत ही इजी थिंग है, एंड ओनली देन ट्राई टू गेट दिस इन। अदरवाइज आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लाइक आपका बॉडी पॉस्चर कैसा होना चाहिए, सो यू शुड बी इन अ सिटिंग पोजिशन विद वन लेग अप एंड एक लेग नीचे। मतलब जब आप बैठ रहे हो, सो होता है ना, एक पैर आपका पूरा जमीन से टच हो एंड द सेकेंड शुड बी ऑन टोज। सो एक थोड़ा सा एक हाइट पे होगा और एक थोड़ा नीचे होगा, एंड देन यू हैव टू पुश दिस इन। अदरवाइज आई फाउंड इट डिफिकल्ट, मेरे को और किसी पोजिशन में समझ नहीं आया। सो द बेस्ट थिंग इज जस्ट सिट डाउन ऑन द फ्लोर विद वन फुट ऑन योर टोज एंड द अदर कंप्लीटली ऑन योर फ्लोर, एंड देन ट्राई टू गेट दिस इन। Now I will be inserting my footage of how it was for me. So here it is. I'm really nervous क्योंकि आज है first day of trying this thing out. This is Everteen का menstrual cup and मेरा जो size है ये है small. ये I guess दो sizes में आता है, small and large. I just wash this off and come back. सो ये है अब काफी क्लीन, मैंने इसको अच्छे से वॉश करा है। इस पर कुछ स्टेन है, पता नहीं किस चीज का है, बट हाँ सो मैंने काफी अच्छे से क्लीन कर लिया है सो दैट इट डजंट हैव एनी इन्फेक्शन ऑन इट, क्योंकि ये जाने वाला है अंदर। सो आई जस्ट ट्राई टू गेट दिस इनसाइड। मैंने इसको पहले भी ट्राई किया हुआ है एंड आई वॉज नॉट सुपर कंफर्टेबल विद इसको अंदर लेने में, सो लेट्स सी हाउ इट गोज दिस टाइम। सो जस्ट गोना सिट डाउन इन अ स्क्वाटिंग पोजिशन, नीचे बैठूंगी मैं एंड देन आई विल जस्ट ट्राई एंड गेट दिस इन मी। आई विल स्टिल बी वेयरिंग माय पैड टू जस्ट सी कि मतलब कितना ज्यादा लीक प्रूफ है ये, एंड आई एम सुपर नर्वस। आई जस्ट होप दैट इट गोज वेल, क्योंकि डालना इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट आई एम अज्यूमिंग कि निकालने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। सो लेट्स सी। सो या गाइज, दिस इज 120 एंड ओप्स, सो दिस इज 120 ऑलरेडी एंड दिस थिंग इज आउट ऑफ मी बिकॉज मैं वॉशरूम गई थी एंड हुआ क्या कि आई फेल कि मुझे बहुत तेज की आई हुई है, सो आई वेंट टू द टॉयलेट और वहां पर जो है प्रेशर की वजह से दिस ऑल्सो केम ऑफ। इसमें थोड़ा सा ही जो है लिक्विड, आई मीन जो डिस्चार्ज था या ब्लड था, वो थोड़ा सा ही कलेक्ट हो पाया था। एंड दूसरी चीज कि मैंने इस तरीके से इसको डाला था तो ये थोड़ा सा ऐसे करके ही बाहर आया, बिकॉज ये पूरी तरीके से खुल नहीं पाया था। एंड देन उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं दोबारा से इंसर्ट कर पाऊं, बट आई कुड नॉट, और मुझे पेन होने लगा वहां पर बिकॉज आई वॉज
purposely trying to push this in, but नहीं हो रहा था. So yeah, that's the update for today, and I'm not going to use it at least for today. अभी देखते हैं कल कैसा जाता है. Guys, good morning. It is very early in the morning. It's like 7:30-ish, around 7:30-ish in the morning, and आज है day 2 of trying out this bad boy right here. My experience yesterday was not that great, but अभी हम फिर से कोशिश करने वाले हैं, and let's see कि आज मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ या नहीं. सो आई जस्ट गेट दिस इन साइड ऑफ मी एंड आई जस्ट अपडेट यू गाइज कि मुझे कैसा लग रहा है एंड एक्चुअल में कैसी फीलिंग आती है. सो या स्ट्रगल मुझे करना पड़ा फिर से अंदर उसको इंसर्ट करने के लिए. फर्स्ट डे जो फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया था ईजिली चला गया था, बट टुडे मुझे बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी. एंड अगेन मेरे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बट हो सकता है थोड़ी बात देर बाद वो चला जाए. हल्का सा बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है, बट दैट मे बी बिकॉज अभी ये फर्स्ट टाइम है. मे बी कंजर्वेटिव टाइम्स अगर मैं इनको यूज करूँगी तो प्रॉबली थिंग्स वुड काम डाउन, बट अभी आई एम नॉट वेरी यू नो कंफर्टेबल विद इट. और वो जो उसका जो नीचे जो स्ट्रिंग सॉर्ट होता है ना टू पुल इट आउट और जस्ट टू होल्ड इट, वो काफी छोटा है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि अगर इट गोज इन साइड मैं उसको बाहर कैसे निकालूंगी. सो दैट्स माई ओनली कंसर्न. ऑल्सो जब मैंने इसको अंदर इंसर्ट किया था मेरे को थोड़ा सा बबली बबली फील हो रहा था, एज इफ लाइक स्मॉल लिटिल बबल्स अंदर जैसे बुलबुले फूट रहे हो. सो आई फेल दैट रेस्ट इट्स ओके राइट नाउ एंड आई जस्ट अपडेट यू गाइज इन अ मीनवाइल. Guys, so welcome back. और update from tomorrow. Obviously this is day 3. तो कल मैंने around 3-4 hours के लिए I used the menses cup, but मेरे को काफी uncomfortable होने लगा था, तो I had to take this off. तो जब मैंने इसको निकाला it was still like this, इस तरीके से ये वापस आया, because ये fully open up नहीं हो पाया था. Maybe मैंने गलत तरीके से इसको use करा, so it was like this when it came out, and ये कुछ इतना फिल्ड अप था. एंड देन आई एंडेड अप यूजिंग माई पैड अगेन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम. इट ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल है, एंड क्योंकि डे 3 है, डे 3 पे मुझे इतना ज्यादा फ्लो नहीं होता है, इट्स लाइक स्पॉटिंग फॉर मी ओनली, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगी. इंस्टेड आई विल यूज अ पैंटी लाइनर. पैड भी यूज नहीं करूंगी बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को लिटरली नाक के बराबर होता है ऑन द थर्ड डे. सो इसलिए सेकेंड डे इज हैवी, फर्स्ट डे इज हैवी, तो फर्स्ट टू डेज आई कैन सर्टनली गिव दिस अ ट्राई वंस अगेन, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर. ऑल्सो एक कान इयर रिंग है, एक में नहीं है, दैट्स बिकॉज मेरा यहाँ कान थोड़ा इरिटेट हो रहा है. एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, तो या विल आई यूज दिस अगेन, आई एम नॉट श्योर. मे बी आई वुड गिव इट अ ट्राई, बट सीरियसली मेकर्स को एक मतलब कोई भी अगर मेंसेस कप बनाता है अब प्लीज इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाइए, बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट एंड आई थिंक कि ये अंदर खो जाएगा. सो या दैट वॉज माई थॉट्स अबाउट द मेंसेस कप, एंड या दैट इज ऑल दैट आई डिड एंड आई ट्राइड आउट एंड या. सो द पॉइंट्स दैट वी टेक फ्रॉम दिस वीडियो इज नंबर वन, मेक श्योर यू आर यूजिंग इट ओनली वेन यू हैव पीरियड्स, एंड दैट टू हैवी पीरियड्स, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड प्रॉबेबली थर्ड डे अगर आपको हैवी पीरियड होते हैं, अदरवाइज फर्स्ट और सेकेंड डे के लिए इट इज गुड. बट इफ यू हैव नॉर्मल लाइक सिर्फ ऐसे स्टेनिंग वगैरह हो रही है तो फिर आप इसको यूज मत करिए, यूज अ पैड और यू नो पैंटी लाइनर्स, जस्ट यूज दोज बिकॉज फॉर हैवी फ्लो दिस इज गुड. फॉर लाइट फ्लो उतना हैसल करना कि आप इसको इंसर्ट करो देन यू रिमूविंग इट, आई जस्ट डोंट थिंक कि इतना वर्थ इट है. द सेकेंड थिंग इज मेक श्योर यू आर सिटिंग प्रॉपरली एंड योर मसल्स आर रिलैक्स, अदरवाइज इसको आपको एंटर करने में बहुत मुश्किल आएगी, यू हैव मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी. सो या दोज दैट वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट द मेंस्ट्रुअल कप. द गुड थिंग अबाउट दिस वीडियो इज दैट देर इज अ गिव अवे ऑल्सो, सो आई एम गोइंग टू गिव अवे वन ऑफ द मेंस्ट्रुअल कप टू वन ऑफ यू गाइज. दिस वन इज इन लार्ज साइज, एक्चुअली इट कम्स इन टू साइजेस. मैंने जो यूज किया ये है एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप विच कम्स इन टू साइजेस, एज आई सेड स्मॉल एंड लार्ज. सो दिस वन इज लार्ज
मसाज इफ यू हैड समबडी जिनका हैवी 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 फ्लो होता है, आई थिंक दिस इज अ रियली गुड डील फॉर यू. All you have to do is just subscribe to my channel and comment down anything, like literally anything in the comment section. Because selection बहुत random होगा, so just don't get disheartened if you don't win it. But one of you is going to surely win this. So that was all for this video about how I went through my period with a menstrual cup, and I don't think this was a success. I count this as a failure because I was not super comfortable with this thing. Probably मैं 4-5 बार और try करूंगी, so I'll get a hang of it. But a suggestion to everybody who makes a menstrual cup, make sure this thing is pretty long because I find it difficult to take it off. So yeah, that was all for this video. I hope you guys liked it. If you did, then don't forget to give this video a big fat thumbs up, subscribe if you haven't already, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care.